आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम BA तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करेंगे। इससे पहले हमने हिमालय के महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय तथा ट्रांस हिमालय की भौतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सर सिडनी बुराड थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया। इसे पूर्व से पश्चिम दिशा में चार भागों में बांटा गया है। बांटने का आधार नदी घाटियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में जो चार हिमालय प्रदेश हैं वह है पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के मध्य है। अधिकांश विस्तार इसका जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। इसके अन्य नाम कश्मीर हिमालय एवं हिमाचल हिमालय है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, यानी सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक। इस हिमालय में मुख्य पर्वत श्रेणियाँ कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर तथा जास्कर है। इस हिमालय में जो ऊंचाई है वह पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के मध्य है तथा इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय, पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। अन्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री है। गंगा तथा यमुना नदियों का उद्गम भी इसी हिमालय प्रदेश से होता है। दून घाटियाँ जो कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाती है। झीलें हैं यहाँ नैनीताल, भीमताल और सामताल। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई तक है। इसका अधिकांश भाग नेपाल देश में स्थित होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर यहीं स्थित है। इस चोटी का नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्य अधिकारी थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर रखा गया। एवरेस्ट जो चोटी है वो नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियों में कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी व अन्नपूर्णा है।
काठमांडू घाटी यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घाटी है। असम हिमालय, इसका विस्तार तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में है। राज्य हैं सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण चोटियां नामचा बरवा, कुल्ला कांगड़ी, चोमो लहारी, जांग सांगला और पोहनी है। प्रमुख नदियां यहां की ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिफांग तथा दिहांग है। इस मानचित्र में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दिखाया गया है। सबसे पहले हम सिंधु नदी, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में से होकर के बहती है, वहाँ से सतलज नदी के मध्य तक का जो क्षेत्र है वह पंजाब हिमालय कहलाता है। इसमें जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल राज्य है। फिर उसके बाद में सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य, तिस्ता नदी जो कि सिक्किम में से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में विलीन होती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ है नेपाल हिमालय। तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अरुणाचल प्रदेश में जिस हिमालय का विस्तार है उसे कहते हैं असम हिमालय। सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुख्य स्रोत, जो पर्वत है वह कैलाश पर्वत श्रेणी है। वहीं से ये नदियाँ निकल करके विपरीत दिशा में बहती है। जो गंगा नदी है वह कुमायूं हिमालय में से निकलती है। तो यह था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसको चार भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सर सिडनी बुरार थे जिन्होंने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया।